हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट जीरो लाइन में। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं दोस्तों निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन जो है 9 तारीख को निफ्टी का एक्सपायरी भी है और किस तरीके का कल के दिन में निफ्टी जो है कामकाज कर सकता है वो पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज का जो मार्केट है इस जगह पे खुल के और एक तरह से देख सकते हैं ओवरऑल इस जोन में फंसते हुए आपको दिख गया दोस्तों कि एक तरह से साइडवेज मानते हैं, क्योंकि क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था दोस्तों यहाँ पर था और इसी क्लोजिंग के आसपास जो है आज का भी मार्केट घूमते हुए आपको नजर आ गया होगा। तो कल के दिन दोस्तों क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम आइए हम आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देते हैं। ये एक हमारा ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये कल के दिन मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, सॉरी एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, और ये जो लाइन है हमारा ट्रेंड लाइन ये भी एक एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर कल के दिन मार्केट इस दोनों को ब्रेक करके मार्केट इस जगह पे आ जाता है कहीं पे, तो अब हमारा जो पुट का पोजिशन बनेगा वो इस तरीके का बनेगा और जो हमारा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट तो यही निकल करके आ रहा है दोस्तों, जो कि 19,270, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा टारगेट होगा पुट के लिए। सेकंड टारगेट आइए देख लेते हैं, सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है 19,148, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा यहाँ पर मार्केट के लिए, ठीक है। अगर ये मार्केट ये दोनों लाइन को ब्रेक कर देता है हमारा ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन जो है अप की तरफ डायरेक्शन में है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर इस दोनों को ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये भी हो सकता है। आप इसको ब्रेक करने के बाद भी एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं पुट की तरफ, जो हमारा पहला टारगेट तो यही हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा दोस्तों, और तीसरा हमारा जो टारगेट रहेगा ये रहेगा। लेकिन जो लोग सेफ लेना चाहते हैं वो इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ही ले जाए, जैसा कि आप यहाँ पे हमारा चार्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको मार्केट कल के दिन हो सकता है। आइए आप देख लेते हैं अप डायरेक्शन में क्या निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से खुलता है और इस लाइन को सपोर्ट मानता है, ठीक है, कंटिन्यू, तो मार्केट जो है यहाँ से निकलने के बाद इस तरीके का जो है आपको ट्रेंड करते हुए इस तरीके का दिख सकता है। जो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड टारगेट हमारा 19,580 का निकल के आ रहा है, यानी कि 19,580 से लेकर 600 तक यहाँ पर आपको टारगेट जाते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 50 में कल के दिन। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा डायग्राम है, आप यहाँ से लेवल नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं कि लेवल लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, सभी लेवल को यहाँ से नोट कर लीजिए, सेम टू सेम डायग्राम जो है अपना लैपटॉप पे बना लीजिए और आप ट्रेड कर सकते हैं हमारा डायग्राम के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप एनालिसिस देख रहे हैं हमारा बहुत बढ़िया जा रहा है और लगातार बहुत दिन से एनालिसिस हमारा सही हो रहा है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल को और आने वाला जो भी वीडियो होगा वो सबसे पहले देख करके और अपना यूज कर सकते हैं हमारे वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट बहुत बेहतरीन है निफ्टी 50 का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट खुला था, खुलने के बाद एक तरह से रेंज देख सकते हैं, इसी रेंज में जो है मार्केट फंसते हुए दिख गया है। तो हमारा जो टारगेट आप देख सकते हैं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ एक गैप है, ठीक है, और ये गैप है, दो गैप हम लोग एक दिन का टारगेट में रखे हैं दोस्तों, फील करते हुए आपको मार्केट दिख सकता है एक्सपायरी के दिन। तो अगर यहाँ से फॉल आता है तो डायरेक्ट इस लेवल तक फॉल आ सकता है कल के दिन। अगर फॉल नहीं आता है, मार्केट में मजबूती रहता है, तो यहाँ से निकलने के बाद ये जो लाइन है हमारा 19,480 का, यहाँ से निकलने के बाद आप टारगेट देख सकते हैं कि 19,590 से ऊपर तक का टारगेट हमारा निकल करके आ रहा है निफ्टी 50 में, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी आ रहा है निकल के टारगेट, तो ये टारगेट के लिए आप काम काज कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।